वेलकम टू माई चैनल मनोट्रैक। टुडे आई विल टेल यू अबाउट शाफ्ट एनकोडर्स एंड वाई वी यूज ग्रे कोड्स फॉर शाफ्ट एनकोडर्स। ओके, जो शाफ्ट एनकोडर होते हैं वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस हैं जो कि कन्वर्ट करता है एंगुलर मूवमेंट जो शाफ्ट का होता है टू डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, जो शाफ्ट एनकोडर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शाफ्ट एनकोडर जैसे इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में यूज हुआ है, दिस इज़ अ शाफ्ट एनकोडर। अब ये रोटेट होगा और इसमें जो है डिजिटल सिग्नल जो है प्रोड्यूस होंगे, डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स के रोटेशन से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसके रोटेशन को हमें एग्जैक्टली जो है ट्रैक करना होता है कि ये किस प्लेस पर है ये शाफ्ट एनकोडर। Now let's take the rotating disc of the shaft encoder using binary code. ठीक है, अब रोटेटिंग डिस्क है 3-bit बाइनरी कोड में ये डिजिटल आउटपुट देगी। इसका जो डार्क शेडेड पार्ट है वो जो है इंडिकेट करेगा 1-bit को, मीन्स दिस विल इंडिकेट 1, 1 and 1 bits। ठीक है, ऐसे ही जो इसका अनशेडेड पार्ट है वो 0 को इंडिकेट करेगा, मीन्स 0, 0 and 0 bits को। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करेगा, 0, 0 and 1 को। ठीक है, क्योंकि ये 3-bit बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रही है रोटेटिंग डिस्क जो है शाफ्ट के मूवमेंट को, इसलिए जो है ये 8 सेक्टर में डिवाइडेड होगी। 3-bit जो बाइनरी नंबर है वो 8 जो है पोजीशन की वैल्यू देगा, मीन्स 360 डिवाइड बाय 8 होगा, मीन्स 45 डिग्री के एंगल जो होगा, 45 डिग्री एंगल जो फॉर्म्ड हो रहे हैं वो 1 पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, मीन्स ये जो इंडिकेट कर रहे हैं दिस विल इंडिकेट 45 डिग्री, मतलब ये जो है 1 पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं 45 डिग्री के हर एक एंगल जो है। ठीक है, यहाँ 9 मीन्स यहाँ अभी ये 45 डिग्री का हो गया, मीन्स ये नेक्स्ट पोजीशन को शो कर रहा है, मीन्स 1, 1 and 0, मीन्स जो इनसाइड पार्ट है, मीन्स ये जो इनसाइड पार्ट है ये MSB को शो कर रहा है, और जो आउटसाइड जो आउटर मोस्ट पार्ट है इस रोटेटिंग डिस्क का वो LSB को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 0, 0 and 1 को बाइनरी कोड को, इसको 0, 0, 0, इसको 1, 1, 1, इसको 1, 1, 0। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, 1, 0 and 1, 1, 0, 1, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, 1, 0, 0। ओके, ऐसे ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 0, 1 and 1 को, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 0, 1, 0 को, 0, 1, 0 को। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब जैसे इसमें मूवमेंट होगा, ठीक, मीन्स ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी रोटेटिंग डिस्क, तो फर्स्टली जो है रोटेशन जो होगा सपोज कीजिए वो इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, 0, 0 and 0 से। ठीक, उसके बाद रोटेशन से सपोज कीजिए 45 डिग्री हमने एंगल से इसको मूव किया, तो रोटेशन का जो एक्सिस है वो यहाँ तक आएगा, ठीक, यहाँ मीन्स यहाँ तक, मीन्स यहाँ तक 0, 0, 0 है, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 0, 0 and 1, क्योंकि इसमें 1 bit का ही चेंज होगा, क्योंकि डिस्क में जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो 0, 0 तो वही के वहीं, 0, 0 तो जो इनिशियली थे 0, 0 वही आ रहे हैं, मगर यहाँ किससे इंडिकेट हो रहा है, 1 से, यहाँ चेंज हुआ 0 से 1 तक। ठीक है, तो मीन्स 0, 0, 1 को इंडिकेट किया जब रोटेटिंग डिस्क की थोड़ी पोजिशन मूव हुई। ठीक, उसके बाद सपोज कीजिए 45 डिग्री अगेन इसने मूव किया रोटेटिंग डिस्क ने, अब जो है ये जो है डिस्क यहाँ तक आ गई, ठीक, रोटेट होते हुए, तो यहाँ तक तो 0, 0 and 1 था, अब जो है इस MSB में तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो 0 ही रहेगा अगर 45 डिग्री और मूव कर दिया, मगर 2-bit का जो है चेंज होगा इसमें जब ये रोटेट करके फर्दर जो रोटेट करेगी। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क मीन्स यहाँ इसको इंडिकेट करना चाहिए 0 से 1, ठीक, मतलब सडनली इसको 0 से 1 होना है, ठीक, और यहाँ पर जो है 1 से 0 होना है, ठीक,
ये जीरो इंडिकेट कर रहा है, मगर ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों इंस्टेंटली सडनली ही जीरो से वन में चेंज हो जाएं दोनों बिट्स, ठीक, क्योंकि ये हर एक मशीन का पॉसिबल नहीं है मूवमेंट जो है कि इंस्टेंटली दोनों बिट्स को एक साथ चेंज कर दे। मीन्स हो सकता है कुछ मिली सेकेंड में ये तो ज़ीरो से वन में चेंज हो जाए, मगर ये जो है वन जो है वो ज़ीरो में चेंज ना हो, मीन्स ये वन हो रहे जब ये इस जो है पोजीशन पर आए, ये वन रहे और ये वन हो गया है, मीन्स इसके अंदर चेंज आ गया, ये सेकेंड जो बिट का पोजीशन है इसके अंदर ज़ीरो से वन हो गया, मगर ये वन से ज़ीरो ना हो पाए, तो मीन्स ये जीरो वन वन को इंडिकेट करेगा, मीन्स इस पोजिशन के लिए एरर आ गया, ठीक, यूजिंग बाइनरी कोड। आफ्टर सम मिली सेकेंड ये जो है वन से ज़ीरो हो गया, ठीक, तो मतलब ये फिर उसके बाद ज़ीरो वन ज़ीरो को इंडिकेट कर रहा है, सही पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। उसके बाद सपोज़ कीजिए कि 45 डिग्री फर्दर इसने मूव किया, हमने रोटेट किया शाफ्ट को, तो इसकी जो रोटेटिंग डिस्क है इसने यहाँ तक तो ये इंडिकेट कर रहा था 0 1 0 को, मगर इसके अंदर किस में चेंज आएगा, MSB में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो ज़ीरो से ज़ीरो पोजीशन पर ही जा रहा है, मगर इसमें वन से वन पर जा रहा है, इसमें ज़ीरो से वन हो रहा है, ठीक है, वन पोजीशन वन बिट का बस चेंज आया, तो उसमें जो है एरर जो है इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ वन और यहाँ ज़ीरो, तो इसमें इस पोजीशन में बिल्कुल सही इंडिकेट कर रहा है 0 1 1, ठीक है। मगर अगर हम फिर देखें रोटेटिंग डिस्क को फर्दर मूव किया है तो यहाँ बिट में चेंज आया है, MSB को जो है 0 से 1 जाना है और 1 को 0 में चेंज होना है और इस 1 को भी 0 में चेंज होना है, मगर ये जो सारे मूवमेंट है सडनली नहीं होंगे, नहीं हो सकते, क्यों, मैकेनिकल प्रॉब्लम है ये, ठीक। तो ये हो सकता है कि ये बिट जो है ये चेंज ना हो 0 से 1, ठीक, ये 0 का 0 ही रहे और ये जो है कुछ मिली सेकेंड फोर 1 से 0 में चेंज हो जाए, मीन 0 0 और ये जो है वो सपोज़ कीजिए चेंज ना हो, ये 1 का 1 रहे, तो 0, तो ये इंडिकेट किसको करेगा, 0 0 1 को, बल्कि इसे इंडिकेट करना चाहिए 1 0 0 को, ठीक है। तो इस एरर को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रे कोड रोटेटिंग डिस्क, ओके, इस ग्रे कोड रोटेटिंग डिस्क को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो कि इस तरह से फॉर्म्ड हो, ओके। तो इसमें भी MSB जो है साइड सर्कल शो कर रहा है और आउटसाइड जो है LSB शो कर रहा है, और इसमें भी डार्क जो पार्ट है वो शो कर रहा है 1 को और जो लाइटर पार्ट्स हैं वो 0 0 को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है 0 0 0 को, ये इंडिकेट कर रहा है 0 0 1 को 0 0 1, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है 0 1 1 को 0 1 1, एंड दिस इज शोइंग 0 1 0 एंड दिस इज 1 1 0 एंड दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 1 0 1 एंड दिस इज 1 0 0, ओके, अंडरस्टूड। और हमें पता है ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है, क्योंकि सक्सेसिव ग्रे कोड्स में ओनली 1 बिट का ही चेंज आता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो चांसेस होंगे वो कम चांसेस होंगे एरर के, क्योंकि जैसे ही रोटेटिंग डिस्क ने अगर सपोज कीजिए पोजीशन है 0 0 0, उसके बाद रोटेशन हुआ 45 डिग्री का एंगल जो है मूव किया रोटेटिंग डिस्क ने, तो इसमें जो चेंज आएगा वो 0 0 1 का चेंज आएगा, मीन 0 से 1 होना है, तो ये और जो बिट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, जब ये मूवमेंट होगा 45 डिग्री का, तो इसमें जो है एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर नेक्स्ट जब 45 डिग्री का फर्दर मूवमेंट होगा रोटेटिंग डिस्क में, तो इसमें जो है 0 1 और 1, मीन्स सिर्फ एक बिट का ही चेंज आएगा, 0 से 1 जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक बिट का ही, और जो और बिट्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, तो इसमें एरर के चांसेस हर एक ग्रे कोड नंबर में कम रहेंगे, तो इसलिए जो है ग्रे कोड शाफ्ट एनकोडेड रोटेटिंग डिस्क हम मोस्टली यूज़ करते हैं,
ठीक है। और जो रोटेटिंग डिस्क है शाफ्ट एनकोडर की यूजिंग रे कोड जो है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड की जाती है। ओके अंडरस्टूड, थैंक यू।